हेलो एवरीवन, तो क्या हाल चाल है आप सबके। तो भाई अभी बज रहे रात के 8-9 बज गए। अभी हम निकले खाटू श्याम के लिए। तो रोशन भाई जा रहे हैं हमारे खाटू श्याम, गाड़ी चला रहे हैं। और निकले आयुष है, मोहित भाई, और पीछे एक बंदा है वो सोया पड़ा, अभी घर से आते नहीं, सो गया वो, उसे पता नहीं क्या हो रहा। सुबह उसने सूट भी नहीं करा जबकि जब भी सो रहा वो। तो अभी खाटू श्याम जाएंगे, सालासर जाएंगे और बालाजी जाएंगे, भाई तीनों जगह हो जाएगा एक दिन में। कोशिश रहेगी तीनों जगह। भगत है यार, सुबह लाइन लगवानी उसे भगत, और उधर से गाड़ी चला के लानी है, गाड़ी भी चलानी है। नींबू भी ले रहे, भूत वाला रोल जिनने करा था मनोज, वो पीछे सोया पड़ा। तो बाकी अभी तो अभी हमारे पास कोई है नहीं अच्छा ड्राइवर, रोशन भाई अच्छी गाड़ी चलाते हैं तो वही चला रहे हैं, दिखाई भी नहीं दे रहे, इसमें अंधेरा हो रहा बहुत ज्यादा। अभी हम थोड़ा आगे निकल चुके हैं, अभी बाकी इसमें अभी चलते हैं। गाड़ी लो, क्या कह रहे हो तुम, अच्छे ड्राइवर मैं तो अच्छा ड्राइवर हूँ, मैं उधर से चला के लाऊंगा भाई। पहले इधर से मोहित भाई जाएंगे, रोशन चलाएगा, क्योंकि मैं चलाता हूँ एक सांस गाड़ी, रोशन भाई चलाते हाफ हाफ के, मतलब आधी रोशन चलाएंगे आधी भाई मोहित भाई चलाएंगे। 1200 मैं 1200 मतलब लद्दाख बनता। जल्दी नहीं है ना, जब जल्दी होगी तो सचिन भाई की किल्ली दबाएंगे पूरी। मैं चलाता हूँ लद्दाख वद्दाख वाले टूर पे 1600-1700 किलोमीटर एक ही सांस में बिना सोए, कुछ नहीं, बट डायरेक्ट नॉन स्टॉप पहाड़ों पे सीधी सीधी गाड़ी चलानी पड़ती है, मोड़ने का कोई सिस्टम है ही नहीं, सीधी काई में चले जाएंगे। तो भाई गाड़ी वाड़ी आराम से ही चलाया करो, बाकी कुछ दिक्कत नहीं। अभी पेट्रोल वेट्रोल इसमें भरवा लेते हैं और फिर निकलते हैं। पहले जाएंगे बालाजी, फिर जाएंगे सालेसर नहीं खाटू श्याम, फिर सालेसर बालाजी। चल चलते हैं। इतनी महंगाई में टंकी फुल कौन करवाता भाई। अरे यार जब चलोगे तो टंकी फुल नहीं कराओगे, बार बार डलवाने से अच्छा टंकी फुल करवा लो, फायदा रहता है। अभी रास्ते में आते हुए एक बार और रुक करवाना पड़ेगा टंकी फुल। टंकी फुल नहीं, 1000-2000 का लगेगा, पर टंकी फुल करा लो गाड़ी तो चले। सही बात है मोहित भाई, तुम्हारे उसमें आना है। कौन सा खुला है इनका, और आज बाबा से मांगने जा रहे कि एक और खुलवाओ, बाबा से मांगने जा रहे एक और खुलवाओ, खाटू श्याम में जाएंगे मांगने। ये भाई बहुत मुस्कुरा रहे, खाटू श्याम चल रहे हो। अच्छा यार 2 महीने हो गए थे। अच्छा हाँ 2 महीने। 2 महीने से ऐसे लग रहा था कि यार बाबा कह रहे तू है कहाँ, तू मेरे पास। मैंने कहा बाबा से मिल। और अब की बार सचिन मतलब बाय हार्ट यार, हर बार जाते हैं हर महीने, बट अब की बार ऐसा लग रहा है कि भगवान से नहीं मिलने जा रहे, किसी अपने अजीज दोस्त से मिलने, अजीज दोस्त से मिलने जा रहे, लगाव बढ़ता जा रहा है। अच्छा नहीं हो गई। मैं कसम से, मैं सुबह अभी जब मैं निकला ना तो मैं उससे कह रहा निखिल से, मैंने कहा अब की बार क्यों इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, मतलब बाबा ने ले लिया लपेटे में, अब तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अब तुम्हारा भाई वो बढ़ गया है प्यार, कैसे हमारे खोके वाले चाचा है। वो छोड़ नहीं सकते भाई, खाटू श्याम बार बार जाते हैं, राजबाग वाले राजबाग वाले बाकी ऐसी टंकी फुल होती रहे और इसकी जगह फॉर्चूनर आ जाए। अरे रोली पूरी पूरा होगा रोली का सपना। तो अभी पेट्रोल फुल करवा रहे, फल जरूर मिलेगा। तो अभी पेट्रोल डलवा रहे भाई, फुल करवा रहे टंकी, खाटू श्याम तो जा रहे है तुम्हें पता ही है। बावन सौ जाते फुल हो गए भाई टंकी, वो पड़ता खा गई बावन सौ में। अरे भाई बहुत, अरे सांस भी तो लेगी टंकी भाई, एक बार और डालो बस, थोड़ा सा बस बस बावन सौ। ये लो भाई, ये देख डीजल कैसा दिखता है, फुल टंकी करवा ली है, देखो ऊपर तक आ गए जड़ तक भरवाया, दिक्कत ना हो जाए भाई। यार भाई फुल टैंक में बाबा का बाबा और दिक्कत हो जाएगी। नहीं बाबा का नाम लेंगे दिक्कत नहीं होगी, 5200 का, 5200 में फुल टंकी हुई है। डीजल दिल्ली में कितना चल रहा है, 96 चल रहा है, 96 ये होगा, पैसे मत दो अपना पेट्रोल पंप का ही।
तो अभी अभी भाई इस हाईवे पे बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ था, ये भाई के भाई की, बाकी भाई को पुलिस वाले ले गए। रोशन भाई एक्सीडेंट आज बहुत हो गए, वैसे दो तीन एक्सीडेंट देख लिए यार, उसका खून इतना निकल गया बेचारे के, जो अब क्या बताऊं मैं तो। ये वाली भाई का नंबर ये है गाड़ी का, अभी पुलिस वाले लेके गए, बाइक भी ले जाएंगे अभी थोड़ी बहुत। इतनी सीरियसली अपनी गाड़ी में नहीं कर सकते, अपनी गाड़ी में ये हो जाता शायद तुमने ही मारा है, इसलिए 100 नंबर को फोन करके 112 पे चला गया वो। तो भाई दो भाई और थे, इन दो भाइयों ने मदद करी उसकी, ये पहले से खड़े थे, फिर हम आ गए तो हमने भी थोड़ी मदद करके पुलिस पुलिस वालों को कॉल करी, फोन उनको दे दिया भाई हमने, वो परिवार वाले आ जाएंगे जहाँ पे भी हॉस्पिटल में जाएंगे वो वहाँ से आ जाएंगे। तो अभी इस बाइक को ऐसी खड़ी रहने दो मोहित भाई, तुम यूपी 16 हो ना भाई, चलो यार अच्छे आदमी हो, बहुत अच्छे आदमी हो, अगर हम आपको नहीं देखते तो शायद हम भी नहीं रुकते, क्योंकि पता ही नहीं लगता, भी नहीं रुक रहा हमें देख के भी यहाँ पे रुके। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम आकाश। आकाश भाई, भाई बहुत अच्छे आदमी हो, बस ऐसे ही करते रहो, इसको आगे हाँ। तो भाई जैसे कि अभी आपने देखा पीछे बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ पड़ा था, भाई का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कट गया, बाकी जब से घर से निकले ना तब से दो तीन एक्सीडेंट देख लिया, लेकिन ये वाले पे जो भी दो तीन देखे थे वहाँ पे भीड़ हो रखी थी और बंदे थे उनको सपोर्ट करने के लिए, लेकिन अभी जब हम यहाँ रुके तो दो ही बंदे खड़े थे और वो बंदे भाई बहुत अच्छे थे, जो कि उन्हें साइड कर रहे थे, ट्रक व्रक जो आ रहे थे लाइट वाइट दिखा के वो साइड कर रहे थे उनको। तो हमने भी अपनी गाड़ी रोकी, जाके देखा तो भाई उसका बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ पड़ा था, ये यहाँ से उसकी गर्दन पूरी यहाँ तक कट गई है भाई बंदे की, पर अब ये नहीं पता है कि उसका अपने आप से गिरा है कि उसे कोई ठोक के गया है। बाकी शायद से मोहित भाई क्या उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी? सर ड्रिंक भी कर रखी थी, हाँ हल्की हल्की शायद उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, थोड़े नशे में थे। बाकी उन भाइयों ने जो वहां पे भाई खड़े थे उन्होंने पुलिस भी बुला ली थी और हमने भी जाके एम्बुलेंस को कॉल कर दी थी, तो पुलिस की गाड़ी आई तो हमने पुलिस की गाड़ी में उन्हें बिठा दिया था, और एम्बुलेंस थोड़ी लेट आई थी तो हमने उनको बोल दिया कि पुलिस वाले ले गए, और जो उनकी बाइक थी, उनकी बाइक हमने दिखाई थी आपको, मैंने दिखाई थी जो बाइक खड़ी थी, उससे जब हम निकल रहे थे उससे पहले उनके रिश्तेदार आ गए थे कोई भी, हमने उनको फोन कर दिया था तो बाइक भी वो ले गए थे। तो भाई ऐसे अगर कहीं रोड पे एक्सीडेंट होता है तो आप भी देख के वहाँ पे रुको, एम्बुलेंस को कॉल कर दो, पुलिस वालों को कॉल कर दो, कुछ भी करके मतलब थोड़ा हेल्प कर सकते हो आप, जैसे आज उन दोनों भाइयों ने करा और हम भी रुके, हमने भी वहाँ पे जाके देखा, रोशन भाई ने उनको पकड़ा और गाड़ी जिप्सी के अंदर डाला, अभी उनको हॉस्पिटल ले रहे हैं। तो अभी तुम्हें पता ही है जैसे कि हम जा रहे हैं बालाजी और खाटू श्याम भी जाएंगे, सालसर भी जाएंगे, तो अब रात में कुछ दिखाने के लिए तो है नहीं, तो मैं आपको मिलूंगा सुबह दर्शन की लाइन में, थोड़ी नींद आ रही है, थोड़ी नींद भी पूरी कर लेते हैं। बाकी अगर रोड पे एक्सीडेंट होता है बिल्कुल आपको हेल्प करनी है, गाड़ी रोकनी है अपनी, पुलिस वालों या एम्बुलेंस को कॉल कर देनी है, बस दारू पी के कोई भी गाड़ी ना चलाए, ये हमारी आपसे अपील है, और पिए भी ना, वैसे पीनी भी नहीं अच्छी चीज नहीं है, और 70 वाला तो बिल्कुल ना पिए। चलो भाई सुबह मिलेंगे दर्शन की लाइन में।